लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले, क्या प्रभास के अलावा और कोई हीरो नजर आ सकता है साहो 2 में? क्या प्रभास नहीं करना चाहते साहो 2? कहां कहां हो सकती है साहो 2 की शूटिंग? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साहो 2 के बारे में। अब जब साहो की बात होगी तो सबसे पहले प्रभास ही दिमाग में आएंगे ना। जी हाँ, प्रभास को डार्लिंग प्रभास के नाम से उनके फैंस जानते हैं। ये ऐसे हीरो हैं जिन्होंने अपनी एक फिल्म से ही दुनिया की नजर में पहचान बनाई थी। कुछ साल पहले तो हर कोई प्रभास से जानना चाहता था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उनकी फिल्म बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस फिल्म के लिए प्रभास ने अपनी जिंदगी के 4 साल दिए थे, जिसका उन्हें काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला था। तो चलिए, ये तो हो गई बाहुबली की बात। आपको बता दें कि पहले तो प्रभास फिल्म साहो करने के लिए कतराते थे। आखिर डायरेक्टर सुजीत ने उनसे 2 साल का कमिटमेंट जो मांग लिया था, लेकिन ये प्रभास हैं जो कभी नहीं रुकते हैं। उनका कहना था कि एक्शन फिल्म करना उनका सपना है, जिसके चलते वो साहो के लिए तैयार हो गए। फिल्म ने सन 2019 में खूब चर्चा बटोरी थी। फिर उसमें प्रभास के एक्शन सीन्स, एक्टिंग और श्रद्धा कपूर की डिसेंट एक्टिंग जो थी, इस फिल्म में एक्शन, रोमांस और थ्रिल कूट कूट कर भरा हुआ था, जिसे जनता ने काफी पसंद किया। साहो की सक्सेस के बाद मेकर्स ने श्रद्धा कपूर के बर्थडे पर वीडियो शेयर करके साहो के सीक्वल यानी साहो 2 के आने की खबर दी थी। पहले पार्ट में प्रभास, श्रद्धा, नील, नितिन, मुकेश, मंदिरा बेदी के अलावा और भी स्टार्स शामिल थे, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर दर्शकों को दीवाना बनाया था। साहो 2 में प्रभास, श्रद्धा तो रहेंगे ही, इस बार डायरेक्टर सुजीत रेड्डी सीक्वल में अलग ही तड़का लगाने वाले हैं। जी हाँ, मानना है कि साहो 2 में विवेक ओबराय विलन का किरदार निभाते नजर आएंगे। विवेक ओबराय ने साथिया, शूट आउट एंड लोखंडवाला जैसे फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई है। इस फिल्म के लिए बाहुबली प्रभास ने बहुत ही सोच समझ कर हावी भरी थी। आपको ये भी बता दें कि प्रभास की पिछली फिल्म राधे श्याम कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी, इसीलिए शायद प्रभास ने एक बार फिर एक्शन फिल्म साहो 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर अपना सिक्का जमाने की सोची है। क्या आप ये जानते हैं कि साहो 2 की शूटिंग के लिए प्रभास, श्रद्धा एस्टमंड पहुंच चुके हैं? इस फिल्म के ज्यादातर एक्शन सीन्स मलेशिया, टोक्यो में भी शूट होंगे। इस फिल्म में एक बहुत ही अहम एक्शन सीन नियागिरा वाटरफॉल पर शूट किया जाएगा, जहां हीरो और विलेन लड़ते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साहो 2 के खास एक्शन सीन्स क्या फिल्म को हिट करा पाते हैं या नहीं, ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया बताइए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमेशा से ही हमारे लिए महत्वपूर्ण रही है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल 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 नहीं भूलना है। तब तक के लिए आप बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज पे, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।